बच्चे शीशी कहे तो क्यों पिशाब कर देंदे हन? प्लास्टिक दे टेबल दे विचकार ए होल क्यों हुंदा है? किस फिल्म दे एक सीन नू फिल्माउण दे लई 52 लख दा कोका कोला लग गया सी? केड़ा तरीका है जिस नू जेकर तुसी करदे हो तां लोकां दी भीड़ तुहानू अपने आप रास्ता दे देवेगी? अजिही रोचक तत्थ जानने लई जुड़े रहो मेरे नाल। मैं तुहाडा होस्ट जसप्रीत सिंह, तुसी देख रहे हो जोट टीवी। जेकर तुसी लोकां दी भीड़ दे विच्चों निकलना चाहुंदे हो ते तुहानू रस्ता नहीं मिल रहा, तां तुसी अपना एक हाथ अपने मूंह दे उपर रख लो ते इस तरह दे नाल दिखाओ कि जिवें तुहानू उल्टी आउण वाली है, क्योंकि तुहानू इस तरह देख के सारे लोग तुहाडे लई रस्ता छड्ड देणगे ते तुसी भीड़ दे विच्चों जल्दी दे नाल निकल जाओगे। जदों टूथपेस्ट बाहर निकलती है तां कुछ इस तरह की दिखाई दिंदी है, पर की तुहानू पता है कि वह अंदरों किस तरह की दिखाई दिंदी है? जेकर तुसी टूथपेस्ट नूं विचाल्यों कट्टोगे तां वह कुछ इस तरह की दिखाई देवेगी। इस नूं फैक्टरी दे विचों प्लस दे निशान की तरह भरिया जाता है, इस करके ही निकलते समय इस तरह की दिखाई दिंदी है। होलैंड दे विचों एक कैदी 10 साल बाद जेल दे विचों भज गया। उसने यह सोचा कि जदों वह घरे जाएगा तो सारे घर के लोग उसनूं देख के खुश हो जाएंगे, पर जदों यह कैदी अपने घरे गया तो उसकी पत्नी ने उसनूं पहला सवाल यह किया कि 9 घंटे हो गए तैनूं जेल दे विचों भज्जे नूं, तू इन्ना टाइम कित्थे ते किस दे नाल सी? ते यह सुनदिआं ही इस कैदी ने पुलिस नूं फोन किया ते अपनी गिरफ्तारी दे दित्ती। अज की वीडियो तुहाडे तक पहुंचाया गया है प्रोफेशनल वीजा सोल्यूशन वालों। एक कनेडा ते न्यूजीलैंड के इमीग्रेशन के माहर हैं ते इन्हां कोल लगभग 30 साल का तजर्बा है। हर तरह की वीजा एप्लीकेशन दे विच तुहाडी मदद कर सकते हैं, चाहे वह कनेडा या न्यूजीलैंड का स्टडी वीजा होवे, वर्क परमिट या फिर PR की एप्लीकेशन। स्पाउस केस इन्हां दी स्पैशलिटी है। रिफ्यूजल केस वाले इन्हां दे नाल जरूर एक बार संपर्क कर। इन्हां दा व्हाट्सएप नंबर 6422112112 है। इन्हां दे दफ्तर कनेडा ते न्यूजीलैंड दोनों थावां ते मौजूद ने। जेकर तुसीं इह दोनों थावां ते जाण बारे सोच रहे हो तां एक बार इन्हां नाल व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क करना। एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है, जेकर तुसी किसी दे नाल फोन ते गल कर रहे हो ते तुहानू उस दीआं गल्लां दे विच कोई इंटरस्ट नहीं है ते तुसी उस दी कॉल नूं कट करना चाहुंदे हो, तां तुसी इस तरह करो कि तुसी चलदी कॉल दे विच ही अपने फोन दा फ्लाइट मोड ऑन कर दो। इस तरह करन दे नाल सामने वाले नूं कॉल कटदा नहीं बल्कि कॉल फेल्ड दा मैसेज चलिया जाएगा। इस तों बाद तुसी कुछ समय तक अपने फोन नूं फ्लाइट मोड दे उपर ही रखो, तां फिर सामने वाला जदों तुहानू फिर तों कॉल करेगा तां उस नूं कॉल अनरीचेबल दा मैसेज जाएगा। इस तरह तुसी किसी दीआं वाधू गल्लां सुणन तों बच सकदे हो। अजकल बहुत सारे लोग नवा घर लैण तो बाद अपने घर दीआं चाबियां दीआं फोटोआं सोशल मीडिया ते पा दिंदे ने, पर इत्थे तुहानू दस दिंदे आ कि इह तुहाडी बहुत ज़्यादा वड्डी गलती है। कदे भी घर दीआं चाबियां नूं सोशल मीडिया ते नहीं दिखाउणा चाहीदा, इह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। शायद तुहानू पता नहीं होवेगा कि चाबी दी फोटो नूं देख के उस दी नकल दी चाबी बनाउणी बहुत ज़्यादा सौखा काम है। इस तरह तुहाडे घर दी चाबी दी कोई भी कॉपी बना सकदा है। एक बार एक फिल्म के सीन नूं शूट करने लई 31,000 लीटर कोका कोला की वरतों की गई सी। इह फिल्म का नाम सी नो टाइम टू डाई। इस फिल्म के एक सीन नूं फिल्माउण दे लई रोड नूं बिल्कुल तिलकणा दिखाउणा सी, इस लई इन्हां ने सोचा कि यह रोड के उपर कोका कोला की वरतों करनगे, पर इन्हां नूं यह नहीं पता सी कि पूरी सड़क नूं तिलकणा दिखाउण दे लई कितना कोका कोला लगेगा। तो इस फिल्म के एक छोटे जिहे सीन नूं फिल्माउण दे लई ही 52 लख रुपए का कोका कोला लग गया सी। तुसी हुण इस क्रिएटिविटी वाली फोटो नूं देखो, यह फोटो अज दे इंसान की है जिहड़ा कि दिन भर गलत मलत बोलता है ते अपने दिमाग नूं अग की तरह गर्म रखता है, बिल्कुल इस चुल्हे की तरह जिस दे मूंह दे विच लकड़ां हन ते उपरों यह गर्म है। शेर जाने के लॉयन के बारे एक काफ़ी कमाल का फैक्ट है कि शेर अपना पूरा ढिड भरन तो बाद 24 घंटे तक लगातार सौ सकते हैं तो लगातार ये 2 दिन आराम कर सकते हैं। तो जेकर इन्हों कोई डिस्टर्ब ना करे तो यह ढिड भरन तो बाद लगातार 24 घंटे सुते रह सकते हैं। तुहानूं भी कई बार स्पैम कॉल आईयां होणगीआं जिहड़ियां तुहानूं कदे ना कदे कुछ ना कुछ खरीदण बारे कहिंदे रहिंदे हन, जिन्हां नूं आपां मना भी कर दईए तां वी उह तुहानूं फोन करदे रहिंदे ने। इन्हां तों बचण दा सब तों वधिया तरीका इह है कि जदों इह पहली वार तुहानूं फोन करदे तुहाडा नाम पुछण तां तुसीं कहि दिओ कि मेरा नाम इह नहीं है, इह रोंग नंबर है। ते अजिहा करन दे नाल उह तुहाडे नंबर नूं अपनी लिस्ट दे विच्चों कढ देणगे ते तुहानूं फिर तों फोन नहीं करनगे, क्योंकि उहनां दे अनुसार इह इक गलत नंबर है ते उहनां नूं इस नंबर बारे गलत जानकारी मिली सी। इह इक बहुत वधिया तरीका है ते 80% इह कम वी करदा है। जेकर तुसी कदे शॉपिंग मॉल दे विच शॉपिंग कर लई जांदे हो ते अपने नाल बैग ले जाना भुल जांदे हो ते तुहानू उत्थों 10 तों 15 रुपये वध दे के बैग लैणा पैंदा है, पर की तुहानू पता है कि जिहड़े मॉल वाले 10 जां 15 रुपये तुहाडे तों बैग दे लैंदे हन, इह बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि उहनां दे बैग दे उपर उहनां दा लोगो हुंदा है ते उह लोगो वाले बैग नूं बेच नहीं सकदे। इस नूं कानूनी नहीं मन्निया जांदा, क्योंकि इक तरहां दे नाल तुसी उस कंपनी दी मशहूरी कर रहे हो, इस लई तुसी उस बैग जां लिफाफे दे पैसे उस टाइम ही देणा जदों उस बैग दे उपर कोई लोगो ना होवे। ते जेकर तुहाडे तों कोई पैसे लै के तुहानू लोगो वाला बैग कई लिफाफा दिता है तो तुम उसके उपर केस कर सकते हो। यह देखो, ये पहले आईफोन की फोटो है जिहड़ा कि एप्पल के आकार जाने के सेब के आकार का बनने वाला सी। फिर जो कंपनी ने एक्सपर्ट की सलाह ली तो उन्होंने दसाया कि यह आईफोन बिल्कुल बच्चों का खिडौना लगता है तो देखने बिल्कुल बेकार है। इस तों बाद आईफोन का डिजाइन बदलिया गया।
इस फोटो नूं देखो, इस फोटो नूं देख के तुहानूं लग रहा होगा कि जिहड़ी कैश्ती है ये डुब रही है, पर असल दे विच इस कैश्ती नूं डिजाइन ही इस तरह दे नाल कीता गया है कि देखण दे विच अजिहा लगता है कि जिवें डुब रही होवे। ये अपने अजिहे आकार होण दे बावजूद भी बहुत वधिया तरीके दे नाल तैरदी है ते फुल स्पीड ते भज्जण ते भी इसका बैलेंस नहीं विगड़ता। इस कंपनी ने इस तरह अलग जिहा देखण वालियां ये कल्ली कैश्ती नहीं बल्कि होर भी कई बनाईआं हन, जिवें कि हुण तुसीं ये देखो एक जिप वाली कैश्ती। इस नूं देख के इस तरह लगता है कि जिवें पानी दे उपर एक जिप चल रही है ते उह पानी नूं खोल रही है। फिलीपीन दे विच एक बहुत वधिया रूल है कि जेकर उत्थे कोई भी स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन तो पहला 10 पौधे नहीं लगाउंदा तां उसनूं ग्रेजुएशन दी डिग्री नहीं दित्ती जांदी। चाहे वह स्टूडेंट किसी भी फील्ड दे विच होवे, उसनूं अपनी ग्रेजुएशन दी डिग्री लैण तो पहला 10 पौधे लगाउणे पैंदे हन। हर साल फिलीपीन दे विच लखां ही बच्चे ग्रेजुएशन करदे ने। हुण तुसीं आप सोच सकदे हो कि फिलीपीन दे विच हर साल किन्ने नवें दरख्त लगदे हन। चाइना दे विच रहण वाले एक लड़के ने अपने कुत्ते दा बर्थडे मनाउण दे लई तकरीबन 11 लाख रुपए खर्च कर दिते। इस कुत्ते दी उम्र 10 साल सी, मतलब कि उसने अपनी जिंदगी जी लई सी। इसलिए लड़के ने सोचा कि शायद अगले साल वो अपने कुत्ते दा दोबारा जन्मदिन ना मना सके। इसलिए इस लड़के ने अपने डॉग दा जन्मदिन बहुत ज्यादा धूमधाम दे नाल मनाया। इस लड़के ने 520 ड्रोनां नूं किराए दे उपर लिया ते आसमान दे विच केक बनाया। हाल ही दे विच एक माफिया डॉन गूगल मैप दे जरिए फड़िया गया। इस डॉन नूं स्पेन दी सरकार पिछले 20 सालां तों लभ रही सी, पर इह देश दे अलग अलग कोनियां दे विच जाके लुक जांदा सी, जिस करके इस नूं फड़ना औखा हो गया सी। पर हाल ही दे विच इह डॉन गूगल मैप दी मदद दे नाल फड़िया गया। गूगल स्ट्रीट व्यू नाम दी एक ऐप है जिस दे विच इह डॉन एक दुकान दे बाहर खड़ा होया दिखाई दित्ता ते पुलिस ने सारी उह जगह नूं सील करके जदों चेक कीता तां इह उही जगह ते लुकिया बैठा सी। इह डॉन स्पेन दे इक बहुत वड्डे माफिया नूं चलाउंदा सी। एक आदमी ने विक्की कौशल जिहड़ा कि एक एक्टर है उसके उपर केस कर दिता। इस आदमी का कहना है कि विक्की कौशल ने उस तो पुछे तो बिना उसके स्कूटर की नंबर प्लेट की वरतों एक फिल्म दे विच कीती है। इतने ध्यान देने वाली गल तो यह है कि किसी ने फिल्म दे विच यह नंबर प्लेट नोट भी नहीं कीती होगी। जे किसी ने नोट भी कर ली तो इस दे विच रिस्क भी की है, पर इस आदमी ने इसके कारण विक्की कौशल के उपर केस कर दिता। तुसी प्लास्टिक दे मेज दे उपर ए होल जाने के गली दा निशान तां जरूर देखिया होगा, पर की तुसी सोचिया है कि अजिहा क्यों हुंदा है? यह सिर्फ कल्ले टेबल नूं उठाउण जाने के चक्कण दे लई नहीं हुंदा, इस दे होर भी कई ज्यादा फायदे हन। तुहानूं पता ही होवेगा कि इस तरह दे मेज नूं एक दूजे दे उपर रख्या जांदा है। जेकर यह होल जाने के गली नहीं होगी तो सारे मेज एक दूजे दे नाल चुंबड़ जाणगे हवा दे वैक्यूम दे कारण, ते इहनां नूं अड अड करन दे लई फिर बहुत ज्यादा जोर लगाउणा पवेगा। ते जेकर इहनां टेबल दे उत्ते कोई बहुत ज्यादा भारी शरीर वाला आदमी भी चढ़ जावे तां वी इह टेबल इस होल दे कारण ही नहीं टुटदा। ते इस तों बाद होल का काम है कि इस तरह के होल कढ़ण दे नाल मटीरियल भी काफ़ी बचता है। तुसीं कई बार देखिया होगा कि छोटे बच्चों को पेशाब कराने के लिए उनके माँ प्यो शीशी की आवाज़ कढ़ते हैं तो उन्होंने इस तरह करने के उन्हों का बच्चा पेशाब भी कर देता है, पर की तुसीं सोचा है कि अजिहा किवें हुंदा है? अजिहा इसलिए हुंदा है कि जो बच्चा पेशाब करता है तो उन्हों का माँ प्यो जो उन्होंने नाल शीशी की आवाज़ कढ़ता है तो बच्चे का दिमाग उस आवाज़ के नाल कनैक्ट हो जाता है। बच्चे के दिमाग के विच गल बैठ जाती है कि इस तरह की आवाज़ सुन के ही उसने पेशाब करना है। जो बच्चे को पेशाब नहीं आता उन्होंने माता पिता शीशी की आवाज़ कढ़ते हैं तो बच्चे के दिमाग में लगता है कि हुण उसने पेशाब करना है। इस चीज़ के उपर साइंटिस्ट ने एक प्रयोग भी किया। हर रोज कुत्तियां दे ग्रुप नूं एक मीट का टुकड़ा दिखाते सन ते उस तों बाद बैल बजाते सन ते उन्होंने अजिहा करन दे नाल कुत्तियां दे मूंह विच सलाइवा जाने के लार आ जाती सी ते उन्होंने कुछ दिन लगातार अजिहा करन तों बाद कुत्तियां नूं मीट का टुकड़ा नहीं दिखाया ते कल्ली बैल बजा दित्ती। तुसीं हैरान रह जाओगे कि कुत्तियां दे कल्ली बैल दी आवाज़ सुन के ही मूंह दे विच पानी आ गया। ते बच्चियां ते भी इस तरह ही काम करता है। यह सांझी जिस दुनिया दे विच आपां रहिंदे हां उसके बारे कुछ रोचक तत्थ। तुहानूं साडी वीडियो किदां लगी कमेंट करके जरूर दसना ते साडे इंस्टाग्राम दे पेज नूं जरूर फॉलो करना। धन्यवाद।